तो भाई लोग फाइनली आप लोगों के इतने सारे कमेंट पढ़ने के बाद मैंने बना दिया है दीपावली पर ये वीएफएक्स। तो बोलो तैयार है कि नहीं पब्लिक ये वीडियो बनाने के लिए। तो यार इसका म्यूजिक मैं आपको सुना नहीं सकता, लेकिन म्यूजिक सुनने के बाद ये वीडियो आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। तो यार सबसे पहले इस वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, काइन मास्टर पे आके और यहाँ पे 9.16 वाला फ्रेम चूज करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो भाई लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे हो हमारा काइन मास्टर ओपन हो चुका है। तो काइन मास्टर ओपन होने के बाद यहाँ पे हम अपना एक वीडियो सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि मेरा खुद का वीडियो है, लेकिन यहाँ पर भैया आपको अपना वीडियो सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेरा नहीं, क्योंकि ये तो मेरा वीडियो है और यहाँ पे मैंने ऐसा गन शूट किया उसके बाद पीछे मुड़ जाना है, ऐसा आपको वीडियो शूट कर लेना। और आपका जो कपड़ा रहेगा ना क्लॉथ वो डार्क रहना चाहिए, ब्लैक कलर का रहना चाहिए या फिर कोई भी डार्क कलर। अब यहाँ पे क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्काई का इमेज ऐड कर लेना है। स्काई का इमेज ऐड करने के बाद इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ब्लेंडिंग कर देना है। मतलब ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, ब्लेंडिंग पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। ब्लेंडिंग करने के बाद बैक आएंगे, फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर से लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पर चलते हैं मेरे भाई। मीडिया पर चलने के बाद डी मतलब दिवाली, डी का एक पीएनजी आपको मिल जाएगा, इसको ऐड करना है और यहाँ पे इसका जो अल्फा ओपेसिटी है इसको लो कर देना है भाई, लो 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 कर देना है। लो करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आगे के साइड यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, मतलब क्योंकि जहाँ पे हम गोली चला रहे हैं ना अपने हाथ से जो, तो हमारा जो उंगली है गोली चलाने वाला जहाँ पे हम गोली चला रहे हैं उस पोजीशन पे आना है। और यहाँ पे जो हमारा पीएनजी है ना इसको सेट कर देना है, मतलब जिस तरह से आपकी बॉडी रहेगी, आपका शरीर रहेगा, जितना वीडियो पे रहेगा उतना छोटा बड़ा करके इस डी को आपको बिल्कुल परफेक्टली सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ डी को, आपको भी कर लेना है, टाइम नहीं लगाते हुए कर लेते हैं चलो जल्दी से। यहाँ पे आपको अच्छे से सेट कर देना है, क्योंकि ये सेट नहीं करोगे तो वीडियो आपका अच्छा बन नहीं पाएगा, सेट करना ज़रूरी है मेरे भाई, तो कर लेना यार, देर मत करना। और यहाँ पे सेट करने के बाद इसका जो हमने ओपेसिटी हटाया था इसको फुल करेंगे और ये जो स्काई वाला पीएनजी इसका ब्लेंडिंग हम कर देंगे नॉर्मल। और यहाँ पे इसका ले लेंगे कैप्चर एंड शॉट करके स्क्रीनशॉट। तो इस पर क्लिक करेंगे, कैप्चर एंड सेव पर क्लिक करेंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट निकल के हमारे मोबाइल में सेव हो जाएगा। अब हमको सिंपली इन दोनों लेयर को डिलीट कर लेना है, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इन दोनों को डिलीट कर देने का है। चलो डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं तो हमारा वीडियो पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन पे चलना है। मीडिया वाले ऑप्शन पे चलने के बाद यहाँ पे वही फोटो ऐड करना है जो अभी हमने कैप्चर एंड सेव करा था, ये फोटो हमारा ऐड हो चुका है। तो अभी हमको क्या करना है, मतलब ये अब देख रहे हो फुल स्क्रीन कर देना है, मतलब इतना फास्ट बोल रहा हूँ पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी ब्लेंडिंग पे चलते हैं, ब्लेंडिंग पे चलने के बाद मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग कर देते हैं। मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग हो चुका है, हमारा वीडियो कुछ ऐसा बन चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से प्ले करके देखते हैं, कुछ ऐसा हमारा वीडियो बन चुका है जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। तो यार बना लोगे यार तुम, बिल्कुल आसान वीडियो यार, एकदम आसान ट्यूटोरियल आप लोग के लिए बिल्कुल आसान करके लाया हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से जहाँ से हम गोली चला रहे हैं वहाँ से मीडिया पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो ऐड कर लेना है। प्ले करके दिखाता हूँ, ये पटाखा है, मैंने बहुत एडिटिंग की है इस वीडियो में, बहुत मेहनत की है और आप लोगों को बहुत आसान बना के दिए है। तो यार आप इतना तो कर ही सकते हो मेरे भाई, कर लोगे यार, मेरे को पता है कर लोगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इस वीडियो को जूम कर लेते हैं, जूम हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग करने के लिए हमको जाना पड़ेगा ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हमको कर देना स्क्रीन ब्लेंडिंग। तो यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन ब्लेंडिंग, यहाँ पे इसको कर देते हैं। इसको करने के बाद यहाँ पे जो फायर निकल रहा है ना इसको ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो यार, मतलब सही नहीं लग रहा है, मतलब बीच में ऐसा आ रहा है मतलब गोला। तो अभी हम चलेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे, देख रहे हो एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन, जो ये सेकंड वाला है ना कंट्रास्ट, इसको फुल कर देंगे। तो अभी देख रहे हो बिल्कुल सही हो चुका है। बिल्कुल सही होने के बाद ये जो आग निकल रहा है ना फायर, इसको आपको अपने अंगुली के ऊपर सेट करना है जहाँ से आप गोली को चला रहे हो, बिल्कुल वहीं पे सेट कर देंगे। वहीं पे सेट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, चाबी वाला ऑप्शन आपको साइड में दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जब ये थोड़ा सा आगे जाएगा, हल्का सा आगे जाएगा, यहाँ पे एक आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्लस का मार्क दे देना है। यहाँ पे एक प्लस का मार्क देने के बाद अब यहाँ पे और हल्का सा प्लस का मार्क देना है और यहाँ पे वीडियो को ऐसा फुल, मतलब ऐसा एकदम सेट कर देना है, बिल्कुल फुल सेट कर देना है। बाकी जहाँ पे आपका उंगली उंगली रहेगा वहाँ पे फायर होते टाइम सेट करना है और लास्ट में यहाँ पे लाके बिल्कुल सेट कर देना है, बिल्कुल फुल पे हो गया, इतना बन चुका है।
अभी हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, बिल्कुल यहीं से कट कर देते हैं इस वीडियो को। तो कैंची वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यार इसको हम करेंगे स्प्लिटेड प्लेहेड, और स्प्लिटेड प्लेहेड करने के बाद जो बाकी का पार्ट बचेगा उसको कर देंगे डिलीट। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से वीडियो को प्ले करेंगे और हाँ भाई यहीं से जहाँ से आपको दूसरा बैकग्राउंड लाना है उस पोजीशन पे आएंगे। उस पोजीशन पे आने के बाद लेयर पे क्लिक करेंगे, लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक वीडियो और ऐड कर लेना है। दोनों का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये है दिवाली का, इसमें बहुत सारे पटाखे वटाखे फूटते हैं भाई, बोला था ना म्यूजिक के साथ में ये वीडियो आपको और भी झक्कास लगने वाली है। तो इसको फुल स्क्रीन में कर लिए, फुल स्क्रीन में करने के बाद आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ भाई मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अभी ये ऐसा पटाखा वटाखा फूट रहा है, लेकिन अभी हमको क्या करना है भाई लोग, यहाँ पे सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो डी वाला हमने स्काई वाला पीएनजी लगाया, इसको सबसे पहले इसकी टाइमिंग हमको थोड़ा सा कम कर देना है। तो चलो हम इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे राइट टू ट्रिम कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे इतना कट हो चुका है, इतना कट होने के बाद वीडियो को प्ले करते हैं। प्ले कुछ ऐसा हो रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। अब हमको सिंपली करना क्या है, जो हमारा पहला वाला मतलब ये जो स्काई वाला वीडियो है इस पर क्लिक करके इसका आउट एनिमेशन, इस पर स्काई वाले पे आउट एनिमेशन देख रहे हो, आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको फेड कर देना है। फेड यहाँ पे 1 सेकंड रहने देना है। और यहाँ पे अब हमको क्या करना है, दिवाली वाला जो वीडियो है इस पर क्लिक करना है और इसका इन एनिमेशन, ध्यान में इसका इन और उसका आउट ध्यान से करना, इसका इन और उसका आउट आपको फेड कर देना है। फेड करने के बाद वीडियो को प्ले करना है। तो कुछ इस तरह से हमारा बैकग्राउंड स्विच हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा और वीडियो एकदम झक्कास बन जाएगा। तो यार म्यूजिक का लिंक, वीडियो का लिंक, सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और जहाँ पे मैं म्यूजिक में गोली चला रहा हूँ वहीं पे आपको ऐसा म्यूजिक के साथ में वीडियो को शूट कर लेना है। और दो और जो पटाखा वाला म्यूजिक रहेगा और जो पटाखा वाला म्यूजिक रहेगा, ये जो दो वीडियो आप डाउनलोड करोगे उसमें पटाखा वाला म्यूजिक रहेगा, तो वो वीडियो ऐड कर लेना। और उन दोनों का म्यूजिक आपको मतलब वॉल्यूम कम नहीं करना है, बस सबका म्यूजिक एक जैसा रहने देना है। वीडियो आपका एकदम झक्कास बनेगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कर देना यार, तुम्हारे भाई का ही तो चैनल है।